हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अपने घरों में बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत शानदार हूँ। आज आपके लिए लाया हूँ इस इन्फिनिटी वर्ल्ड में सैंपल पेपर 2020। इस सैंपल पेपर लाने का क्या मतलब है, ठीक है। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ लिया होगा चैप्टर को, बहुत बार रिवाइज भी कर लिया होगा, इवन कि इतनी बार करने के बाद दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता, ठीक है। तो उस चीज़ को थोड़ा स्टडी भी करनी है लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे से। अब हम क्वेश्चनों के कंसेप्ट को समझेंगे क्वेश्चन वाइज। तो कुछ अपडेटेड क्वेश्चन है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम डिस्कस करते करते क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको कुछ न्यू थिंग सीखने को मिलती है, लर्निंग कुछ मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन सैंपल फाइव नंबर वन का कह रहा है, शो दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ एन फॉर विच। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है शो दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ एन फॉर विच टू पावर एन इंटू फाइव पावर एन एंड्स इन फाइव। आप लोगों के सामने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, एक वर्ड को समझना, तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। एक नंबर का क्वेश्चन है सैंपल पर नंबर 2021 का, सैंपल पर नंबर 1 स्टैंडर्ड का, ठीक है। कह रहा है शो करो देयर इज नो वैल्यू एंड एन के, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है, इन दोनों का प्रोडक्ट और उनकी पावर एन है तो 5 से एंड हो। बात समझ में नहीं आ रही। कहने का मतलब यह है आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 5 मल्टीप्लाई कर लो, उसकी पावर एन, एन की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, लेकिन सोल्व करने के बाद इन दोनों का प्रोडक्ट 5 से लास्ट में एंड नहीं होगा। कहने का मतलब मान लो आपने लिया, समझते हो क्वेश्चन को, क्वेश्चन कैसे करें, ठीक है। ये देखा एन की वैल्यू चेक करनी, अब इसमें मेंशन नहीं कर रखा एन क्या ले सकते हैं, तो इसमें ना बोल रखा एन नेचुरल नंबर है, ना ही मेंशन कर रखा एन इंटीजर है, तो हम एन को क्या मान, रियल नंबर मान सकते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर मानते हुए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आप बोलोगे सर मैं एन को 0 भी ले सकता हूँ। मैंने कहा ले लो, ठीक है, एन को 0 लेते हैं। एन को 0 लेंगे तो होगा क्या, अब इस तरह का प्रोडक्ट है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं, दोनों की पावर है, ठीक है, पावर में कॉमन ले सकता हूँ। ये बन गया 10, तो 10 की पावर एन आई। अब एन की वैल्यू मैंने कंसिडर की 0, 0 पुट कर दो तो 10 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। क्या 5 से एंड हो रहा है क्या, नहीं, तो मैंने जो अजम्पशन मानी थी ये भी गलत होगी कि 5 से एंड तो नहीं हो रहा था, एन 0 पॉसिबल नहीं। और चेक करते हैं, अगर मैं एन की वैल्यू 0 से बड़ी ले लूँ, 0 से बड़ी मतलब आप 0.01 ले लो, 0.2 ले लो, 0.3 ले लो, 1, 2, 3 इन्फिनिटी कुछ भी ले लो, ठीक है। तो 0 से 1 लिया, अब भी तो स्टेटमेंट वही बनेगी 2 × 5 की पावर एन, और n की वैल्यू 0 से बड़ी है। मैं मान लेता n की वैल्यू 1 लेता, n की वैल्यू 1 लेता तो क्या होता, 10 की पावर 1 n किससे हो रहा है, 0 से, 10 की पावर 2 ले लो n किससे हो रहा है, 0 से, 10 की पावर 4 ले लो n किससे होगा, 0 से। इसका मतलब अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये एंडिंग किससे हो रही है, 0 से। क्वेश्चन बोला था 5 से एंड हो रहा, नहीं, इसका मतलब n ग्रेटर देन 0 भी नहीं हो सकता। अब चेक करते हैं लास्टली, n की वैल्यू हम लेते हैं लेस देन 0, अब चेक करते हैं क्या ये 5 से एंड हो रहा है या नहीं, ठीक है। n की वैल्यू जब मैंने लेस देन 0 लिया तो फिर वही सेम प्रोडक्ट 2 × 5 2 × 5 पावर n शुड बी इक्वल्स टू 10 टू द पावर n, ठीक है। अब n की वैल्यू लेस देन 0, 0 का मतलब 0 से कम है, इसका मतलब पावर कैसे होगी, नेगेटिव, 10 की पावर मैंने माइनस 1 लिया, ये बनेगा 1/10, क्या आया 0.1, नहीं समझ में आया, फिर ले लो n की वैल्यू -2 ले लो, अब बोलोगे 1/100 0.01, इसका मतलब n की कोई भी वैल्यू ले लो 5 तो नहीं आ रहा है। तो वही तो कह रहा है शो करो, हमने शो कर दिया, जब 0 लिया तो 1 पे एंड हो रहा है, जब ग्रेटर देन 0 लिया तो लास्ट में 0 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, जब मैंने लेस देन 0 लिया तो लास्ट में 1 आ रहा है। इसका मतलब यही कहना चाह रहा था कि ऐसी कौन सी n की वैल्यू है, क्या कोई वैल्यू पॉसिबल है,
कि n n की वैल्यू ले लो और 5 से एंड हो रहा, तो ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, हमने शो कर दिया। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा इस फर्स्ट क्वेश्चन का। बहुत ही ये एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी सिंपल सा कंसेप्ट लगाना और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन, डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एक नंबर दे रखा है पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर अपना है 4547 0 9 7 0 9 7। तो आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन किया था मैं, अब सेकंड क्वेश्चन है डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अब क्वेश्चन को बारीकी से समझना, एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत कुछ कह रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर होते क्या। प्राइम नंबर वो चीज होती है जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आती है, ठीक है, अपने टेबल में, जो अपने टेबल से डिविजन हो ऐसा नंबर, वन एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट वन, वन को छोड़कर जो डेफिनेशन बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ सेल्फ अपने ही टेबल में आती है। जैसे कि मान लो टू, टू अपना इवन प्राइम नंबर है, थ्री, थ्री सिर्फ थ्री के टेबल में आती है और किसी टेबल में नहीं आती, फाइव सेवन इलेवन थर्ड, ये सारे अपने क्या हैं, प्राइम नंबर है। तो पहले बोल रहा प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब जो फैक्टर होंगे इन्हीं के टर्म में होगा, फैक्टर में फोर नहीं आ सकता, ठीक है, पहली बात समझ में आई। नेक्स्ट, ये तो समझ में आ गई प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है। पॉजिटिविटी इंटीजर आपको पता है वन टू थ्री पॉजिटिव में आता है, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री सारी नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो अब बोल रहा है इसे प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, फैक्टर तो निकालना आता है अपने को, बहुत इजी क्वेश्चन है, चेक करते हैं कैसे निकालो। 4547 0 9 7 1 चेक करो, लास्ट में वन आ रहा है, किससे डिविजन होगा, ठीक है, टू के टेबल में लास्ट में, अगर लास्ट में वन है तो टू से नहीं जाएगा, थ्री से जा सकता है, थ्री से जाने के लिए आपको चेक करना सभी के समीशन, अगर थ्री के टेबल में आ रहा है जा, चेक करते हैं 4 + 5 9 + 4 13 20 29 30 37 थ्री के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब है थ्री से भी डिविजिबल नहीं है। फोर के टेबल में लास्ट में टू डिजिट फोर के टेबल में आना चाहिए लेकिन पॉसिबल नहीं है। फाइव के टेबल में लास्ट में फाइव आना चाहिए, सिक्स के टेबल में लास्ट में सिक्स आना चाहिए, इसका मतलब वन टू सिक्स में तो किसी में नहीं जाता। तो हम सेवन से करते हैं, सेवन से चेक करते हैं, सेवन सिक्स 42 34 7 4 28 6 67 7 9 63 4 40 7 5 35 49 5 59 7 8 56 3 37 7 5 35 21 7 चला गया। नेक्स्ट 7 9 63 19 7 2 14 55 7 7 49 6 55 68 7 9 63 55 7 7 49 and 6 6 7 9 63। नेक्स्ट ये आगे आप चेक करो तो 7 टेबल से नहीं जाएगा, तो हम चेक करेंगे किसके टेबल से, 13 के टेबल चेक करते हैं, 13 3 जा 13 7 जा 91 नेक्स्ट 17 13 1 जा 13 4 49 13 3 39 13 4 जा 52 बट इट्स 49 तो 13 3 39 बचा कितना, ये अपना था 49 और 39 आया, मींस 10 बच गया, 107 39 जा देख लो कितना होता है, 38 जा चेक कर लो 104 तो 38 से 104 3 33 39 ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 13 के टेबल से जाता है या नहीं,
तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका पेशेंस चेक करने के लिए थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, या इजीली कर सकते हो आप चेक करो इजीली हर मेथड से। इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या बन गए हैं, इसके प्राइम फैक्टर अपने बन रहे हैं 7 × 7 13 × 13 17 × 17 एंड लास्ट 19। तो मैं लिख सकता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन is 7 कितनी बार है 2 times 7 power 2, 13 कितनी बार है 2 times, 17 कितनी बार है 2 times and 19 only 1 times। ठीक है, इसके prime factorization। आई होप ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड आपको समझ में आ चुका होगा, कुछ नहीं है बस prime factor निकाला हुआ, या आपने 8th 9th में भी बहुत बार किया होगा। ठीक है, तो हम प्रोसीड करते हैं, देख लो नोट कर लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगर किसी ने नोट नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्रिमिनेंट, क्वेश्चन दे रखा थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है अपने को एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, यहां पर पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना, चेक करो कि आपने कहीं पढ़ रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखा है। हां क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखा है, क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी पावर 2 हो और x मतलब पावर में मैक्सिमम पावर कितनी होती है जिसको हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं जनरल फॉर्म ऐसे लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पर a b c नॉन जीरो होते हैं। ठीक है, a b c, a अपना नॉन जीरो होता है, बाकी कुछ भी हो सकता है, b जीरो भी हो सकता है, c भी जीरो हो सकता है। ठीक है, इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इसको डिस्क्रिमिनेंट, अगर मान लो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थी तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आई होप आप लोगों ने पढ़ रखा होगा क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जितना पॉसिबल हो पा रहा है क्वेश्चन के थ्रू आपको फॉर्मूला रिवाइज करवा रहा हूँ और क्वेश्चन के कंसेप्ट को क्लैरिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और सी अपना कॉन्स्टेंट आई है। ठीक है, तो यही टेक्निक हम इसमें कंपेयर करें, दोनों को कंपेयर करो इन दोनों इक्वेशन को फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा ए की वैल्यू कितनी है यहां चेक करो, कुछ नहीं तो 1 होगा, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 4।
तो हमें अब इस अपने पास डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला पता है, ठीक है, तो d इज इक्वल्स टू 2 की पावर स्क्वायर माइनस 4 इज 1 एंड c इज आल्सो 4, ओके, सॉल्व करो 4 माइनस 16, डिस्क्रिमिनेंट वी हैव टू ऑब्टेन दैट इज माइनस 12, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट माइनस 12 है। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है, ध्यान रखो एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूँ उसके साथ साथ, अगर अपना डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आता है, ठीक है, तो हमें जो जीरोस मिलते हैं वो रियल जीरोस मिलते हैं, रियल जीरोस बोल दो या फिर रियल रूट्स बोल दो। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो आता है तो अपने को रूट्स मिलेंगे, इक्वल रूट्स मिलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इक्वल रूट्स मिलते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आ रहा है तो आपको इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं, रूट्स अपने इमेजिनरी होते हैं, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। जब मैं आपको चैप्टर डिस्कस करूंगा तो मैं आपको डिस्कस करूंगा क्या होते हैं रियल, क्या होते हैं इक्वल, क्या होते हैं इमेजिनरी। रियल नंबर वो होते हैं जो नंबर लाइन पर ड्रॉ कर पाते हैं, इक्वल रूट्स का मतलब मिलेंगे तो दो रूट्स लेकिन दोनों ही इक्वल होंगे, ठीक है, और इमेजिनरी रियल नंबर पर ड्रॉ नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ गया माइनस 12, इसका मतलब इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन से थोड़ा बहुत सीखने को जरूर मिला होगा कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थोड़े कंसेप्ट के एनालिसिस भी कर लिए, ठीक है, नोट करो इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है अपने को, ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ सिस्टम, ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ऑब्टेन द कंडीशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। और अपने को लीनियर इनइक्वालिटीज दे रखा है, कहता है कंडीशन पता करो लीनियर इनइक्वालिटीज दे रखी, कौन कौन सी दे रखी है, तेरे को अपने को ax plus by is equals to c, lx plus my is equals to n, ये अपने पास linear inequalities दे रखी है, ठीक है। इस linear inequalities जो दे रखी है, कह रहा condition obtain करो, किसमें condition, एक चीज mention कर रखा है unique solution है, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए unique solution की condition क्या होती है। हमारे पास अगर तो general equation दे रखी होती है, मान लो general equation दे रखी होती है, concept आपको समझाया गया था, general equation मान लो अपने पास जनरल इक्वेशन है a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, अगर ये तो जनरल इक्वेशन है और चाहिए यूनिक सॉल्यूशन, तो आपने कंडीशन पढ़ रखी है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, x के कोएफिशिएंट की रेशो a1 upon a2 b1 upon b2 क्या इक्वल होता है, नहीं नॉट इक्वल होता है, तब यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसी के साथ मैं बताता हूँ आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जब मैं बात कर रहा हूँ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो इस केस में x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म तीनों ही इक्वल होती हैं, ठीक है। इसका ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे, दोनों इन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, ये यूनिक सॉल्यूशन की बातें हैं। इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशन, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर लाइन कर रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ही जा रही है, ठीक है, तो ये इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, हर एक पॉइंट मीट कर रहा है, हर एक पॉइंट मीट कर रहा है, इस तरह के सॉल्यूशन हो। अब ये दोनों कैसे हैं, सॉल्यूशन तो मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। अब लास्ट आता अपना पैरेलल, ठीक है, और वो तो इनकंसिस्टेंट, पैरेलल ना लेकिन नो सॉल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन,
कौन से ऐसी कंडीशन जो आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो कंडीशन क्या है, x का कोफिशिएंट तो इक्वल होगा, y का भी कोफिशिएंट इक्वल होगा, लेकिन c का कोफिशिएंट कांस्टेंट का कोफिशिएंट इक्वल नहीं होगा। ये तीनों कंडीशन है, नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन होगा इस केस में जो अपना होगा इनकंसिस्टेंट, ये वर्ड ध्यान रखना, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो मैंने तीनों चीज बताई आपको। अब अगर जनरल इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए x का कोफिशिएंट की रेशियो इक्वल नहीं होगी, x के कोफिशिएंट की रेशियो y के कोफिशिएंट की रेशियो से इक्वल नहीं होगी। इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन मतलब ओवरलैप कर रहे हैं, इसका हर एक पॉइंट देख रहे हो, यहाँ से आप चेक कर सकते हो, इसका हर एक पॉइंट, ये हर एक पॉइंट एक दूसरे के पैरेलल है और कहीं ना कहीं टच कर रहा है, इसका मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं आपको, ठीक है। और नौ सॉल्यूशन में लाइन ऐसे पैरेलल नजर आती है आपको, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, रेल की पटरी की तरफ, कभी भी मीट नहीं करेंगे, जब मीट नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आई थिंक ये आपने नोट कर लिया होगा, इस कंसेप्ट को समझते हुए हम कंडीशन लगाएंगे यूनिक सॉल्यूशन की, नोट कर लो इसको, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन अभी हमने चेक किया, ये अपने पास इक्वेशन है। अब उस इक्वेशन में हमने चेक किया था ax + by - c = 0, इस फॉर्म में रखना पड़ेगा तभी हम कंडीशन लगा सकते हैं। और यहां से lx + my - n should be equal to 0, ये तो अपने पास इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या कंडीशन है, जब दो लाइंस यूनिक होती हैं, दोनों लाइंस कहीं ना कहीं आपस में कट कर रही हैं, ठीक है, दो लाइंस कहीं ना कहीं आपस में कट कर रही, तो सॉल्यूशन मिलता है, एक यूनिक मिलता है, ठीक है। और जब यूनिक मिलेगा उसकी कंडीशन क्या है, हमें पता है a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, अभी लिखा था मैंने, a1 क्या है, a है, कंपेयर करें तो a1 क्या है, a है, और a2 क्या है अपना, l है, is not equal to b upon m, ठीक है, कंपेयर कर लो, ठीक है। तो यहाँ से समझ आया ए एम क्रॉस मल्टीप्लाई करो इज नॉट इक्वल टू बी एल, ये अपने पास कंडीशन आए, बोला ना ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटी, ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जब इस लीनियर इक्वालिटीज का कि सिस्टम के यूनिक ही सॉल्यूशन मिले, तो हमने कहा कि जब ए एम शुड नॉट बी इक्वल टू बी एल होगा, जब ऐसी कंडीशन आएगी तो इस लीनियर इक्वालिटीज की जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनके यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक है, लीनियर इनइक्वालिटीज नहीं आएगी यहाँ पर, लीनियर इक्वेशंस आएगी, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज में तो इक्वालिटी इक्वालिटी नहीं आती, वहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन का साइन आता है, ठीक है। यानी यहाँ पे इक्वालिटी आई, इसे आप लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन कैसे लीनियर फॉर्म है, ठीक है। आई होप ये करेक्शन आपने कर ली होगी और इस कंसेप्ट को आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, To the circle. Then find the value of k. कहता है एक external point है. Circle बना रहे हैं. Question को समझने के लिए. कहता है एक external point है. C कहाँ? Circle के बाहर. हमने एक circle बना लिया. ये अपना एक circle है. ठीक है. जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे करते जाएंगे और कुछ नहीं करना, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करना। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट सी,
सर्कल के बाहर एक पॉइंट हमने मान लिया सी, ठीक है, के टेंजेंट्स कितने टेंजेंट हो सकते हैं हमें नहीं पता, के कोई नंबर हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है, तो के टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल। अब आप बताओ इस सेंटर से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, वन, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सी से सी, ठीक है। तो हम इस एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पर, एक एक्सटर्नल पॉइंट सी से, ठीक है। यहीं पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ तो अपना आंसर आ गया कि दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो जरा के टेंजेंट और के की वैल्यू कितनी आएगी, टू आएगी। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ अगर वो पॉइंट सर्कल के बाहर नहीं है सर्कल के ऊपर है तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, चेक करते हैं, अगर वो पॉइंट सर्कल पर है, ठीक है, तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, हमें पता है अगर एक पॉइंट है सिर्फ ओनली वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, उस केस में ओनली वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर वही पॉइंट सर्कल के अंदर है तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, पहले चेक करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो रेडियस बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा, लेकिन हम टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। तो अगर वो पॉइंट सर्कल के बाहर है तो हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है सर्कल पर लाई कर रहा है तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, अगर वो पॉइंट सर्कल के इनसाइड लाई कर रहा है तो हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये कंसेप्ट था, क्वेश्चन के साथ हम कंसेप्ट को बताते हुए चल रहे हैं। अगर आप लोग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें कैसा लग रहा है आपको लेक्चर, अगर आप कुछ सीखने को मिल रहा है तो जरूर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन एपी सीरीज का है, चेक करते हैं क्या क्वेश्चन कहता है, फाइंड द nth टर्म, फाइंड द nth टर्म, और क्या कहते हैं nth टर्म फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, गिवन है a = 3.5, a अपने को दे रखा है दैट इज फर्स्ट टर्म 3.5, कॉमन डिफरेंस दे रखा है अपने को 0, और n की वैल्यू गिवन है अपने को 105, n की वैल्यू अपने को गिवन है 105, ठीक है, ये सारे डाटा अपने को गिवन है, कह रहा है nth टर्म फाइंड करो। अब जब हम एपी सीरीज पढ़ रहे थे तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला भी देखा था, हमने कहा था काम तो आसान होगा, ठीक है, क्योंकि सभी चीज़ों को जोड़ सबसे पहले कंडीशन पता होना चाहिए, कोई भी सीरीज एपी कम होगी, ठीक है, जैसे मान लो अपने पास सीरीज दे रखी है, ये अपने पास ए टर्म है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, कोई सीरीज है, ये एपी कब होगी, मैं कहूँ फाइनल माइनस इनिशियल कोई भी दो टर्म ले लो उनका डिफरेंस निकाल लो, ए प्लस डी माइनस ए कितना मिल रहा है डी, सेम काम इन दोनों के लिए करो, ए प्लस टू डी माइनस ए माइनस डी, ए से ए कैंसिल और टू डी माइनस डी डी। हम देख पा रहे हैं इस पूरी सीरीज में फर्स्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट कॉम जितना डिफरेंस आ रहा है, थर्ड माइनस सेकंड उतना ही डिफरेंस आ रहा है, फोर्थ माइनस थर्ड उतना ही, अगर सभी का डिफरेंस सेम आता है तो वो सीरीज कहलाती है एपी में, ये बेसिक क्राइटेरिया जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उस पर चलते हैं, कहता हूँ फाइंड द nth टर्म, nth टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है, nth टर्म मतलब हम लास्ट टर्म निकालना, लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, हमें फॉर्मूला पता है, चाहे आप ए एन लिख लो, किसी बुक में ए एन लिखा होता है, किसी में टी एन लिखा होता है, ठीक है, लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला लिखते काम हो गया, बिल्कुल हो गया, चेक करो a की वैल्यू दे रखी, हाँ दे रखी है, अपने को निकालना है टी एन या फिर ए एन, इसी को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म 3.5 प्लस एन कितना है 105 माइनस वन डिफरेंस 0, लिखने का मतलब ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे देख लो कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा था, लास्ट टर्म क्या मिला आपको 3.5, सिंपली सॉल्व करते ही काम हो गया, क्यों 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिफरेंस करो कुछ भी आए 104 आएगा, उसको 0 से मल्टीप्लाई करो 0 ही बनेगा, तो tn 3.5 ही बच जाएगा, ठीक है। तो अपने पास लास्ट टर्म आई, आई थिंक इस क्वेश्चन से आप कुछ तो सीखने को मिला, एक फॉर्मूला हमें सीखने को मिला, ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हम सारे एपी के क्वेश्चन को बहुत इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। नोट करो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं।
आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ये हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन था। हम 10 क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे, उनके कंसेप्ट को समझ रहे हैं। धीरे धीरे मैं आपको पूरा सैंपल पर सॉल्व करा दूंगा बहुत ही इजी वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राइट डाउन द फर्स्ट फोर टर्म्स। सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट डाउन द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी सीरीज। मेरा फर्स्ट फोर टर्म्स निकालो एपी टी, जिसकी जनरल टर्म्स दे रखी है टी एन इक्वल टू हूज जनरल टर्म आर टी एन इक्वल टू 3n-1। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को समझो और नोट करो, बताओ आंसर क्या होगा। जिसकी जनरल टर्म दे रखी है आपको पूछ रहा है, सीरीज एपी में है, पहली चार टर्म चाहिए। हमें पता है अगर टी एन 3n-1 है, ये कुछ सिर्फ एन पे वेरिएबल है। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आपको एन की वैल्यू क्या पुट करनी पड़े, कुछ नहीं, वन। टी वन चाहिए या फिर टी वन, तो एन की वैल्यू पुट करो वन, वन माइनस वन जीरो, 3 की पावर 0 समथिंग पावर जीरो, हमें पता है वन होता है, ठीक है। नेक्स्ट एन की वैल्यू 2 लोगे तो टी 2 मिलेगा आपको, यहाँ पर लिया आपने एन इज इक्वल टू 1, यहाँ पर लिया आपने एन इज इक्वल टू 2, टी 2 3 की पावर 2-1, 3, 2-1, 1, 3 power 1 = 3, n की वैल्यू 3, p 3, 3 की पावर 3-1, 3-1, 2, 3, 3, 9, n की वैल्यू 4 लोगे, p 4, 3 की पावर 4-1, 3, तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब 3 बार लिख दो, 3 × 3 × 3, 3 × 9 = 27। आई होप आप सभी को जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आपको एग्जाम में जरूर मिल सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझते रहो, और कोई क्यूरीज हो कमेंट में जरूर डालना, ठीक है। तो नोट करो इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आपने आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, डज x-1 का होल स्क्वायर प्लस 2 times x plus 1 equal to 0 have a real root equal to 0 have a real root have a real root justify your answer। ठीक है, कहता है एक प्लेन इक्वेशन दे रखी है, क्या आप कह सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसने पूछा रियल रूट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया रियल रूट पे हमें चेक करना पड़ा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो रूट्स रियल होंगे, लेकिन उससे पहले हमें चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैसे देखें, ये क्वेश्चन थोड़ी डिफिकल्ट वे में लिखी हुई है, इसको सॉल्व करते हैं, क्या कर सकते हैं। ये क्या देखा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉल्व करो। हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला का यूज करो, यहाँ पर ये अपना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1-2ab, 2x, ठीक है। प्लस को मल्टीप्लाई करो, 2 times x, 2x, plus 2 should be equal to 0, सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर और कहीं है क्या, नहीं, दैट इज एक्स स्क्वायर। ये माइनस का 2x है, प्लस का 2x कैंसिल होगा, 2 plus 1, 3, इक्वालिटी क्वेश्चन मिल गई, ठीक है। इसको और वे में लिख लो, ये हमें पता है जनरल इक्वेशन क्या होती है इसकी, अगर मैं जनरल इक्वेशन लिखूँ क्वालिटी की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होती है, लेकिन आप देख पा रहे हो एक्स का कोफिशिएंट तो यहाँ पर है ही, तो मैं ऐसे ले सकता हूँ इसको 0x + 3 = 0। यहाँ से मैं कंपेयर करो
एक्स किस के साथ हुआ ना कि यहाँ पर कुछ नहीं, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, बी कितना मिला आपको 0 और सी 3 मिला। डिस्क्रिमिनेंट में पता डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, चेक करो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे। तो हमें यही चेक करना है, ठीक है। बी स्क्वायर बी 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना 1, सी कितना 3, तो आपको मिल रहा है माइनस का 12 विच इज लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव नंबर 0 से कम होते हैं, 0 से कम होगा तो रूट्स कैसे मिलते हैं, इमेजिनरी। क्या क्वेश्चन पूछा हैव अ रियल रूट, आप बोलो नो दिस इक्वेशन डजंट हैव अ रियल रूट, हमने जस्टिफाई कर दिया, सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत सिस्टम तरीके से समझते समझते करो, समझते वाइज क्वेश्चन वाइज मैं आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, नोट करो। नोट कर लिया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। नोट करने का समय कम बच रहा हो तो आप वीडियो को पॉज कर दो और फिर नोट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट will be the distance between two parallel tangents to a circle of radius tangents to a circle of रेडियस 5 सेंटीमीटर। कहता क्या डिस्टेंस होगा दो पैरेलल टेंजेंट, बात कर रहा सर्कल की, सबसे पहले ड्रॉ करो सर्कल। क्वेश्चन को समझते रहो, कह रहा व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट, सर्कल पे पहले चेक करते कितनी पैरेलल टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। ये रहा अपना सर्कल, सर्कल होता क्या है, सर्कल एक सेंटर होता है, उस सेंटर को सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस ले लो, उसको हम बोलते हैं रेडियस। ये पॉइंट घूमता रहेगा, घुमाते घुमाते जो भी लोकस बन जाएगा उसी लोकस को हम सर्कल का नाम देते हैं, ठीक है। कहता है कि अभी रेडियस होगा, कहता है एक सर्कल का पैरेलल टेंजेंट मतलब क्या, एक टेंजेंट ड्रॉ किया उसके ऊपर टेंजेंट, तो हम कहते हैं एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर, इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, कहते इसके पैरेलल कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ, मैं ये रहा पॉइंट, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ से एक टेंजेंट और ड्रॉ कर सकते हैं, और चेक करें दोनों ही टेंजेंट आपस में कैसे हैं, थोड़ा गड़बड़ेगा कि हम पैरेलल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और चेक करोगे ये दोनों ही आपस में पैरेलल हो रहा है, सही निकल रहा है, एक मिनट सही बनाते हैं। ये रहा अपना सर्कल, छोटा बनाते हैं, एक पॉइंट ये मान लो, एक पॉइंट ये मान लेते हैं, ठीक है। अब दोनों पैरेलल, कहता है व्हाट विल द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, इन दोनों पैरेलल टेंजेंट के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, टू अ सर्कल ऑफ रेडियस। अब ये डिस्टेंस है हमें ऑलवेज सेंटर, यहाँ पे सेंटर से पास करेगा, ठीक है, तो डिस्टेंस हुआ क्या, सेंटर से पास करेगा, तो मैं कहूँगी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस बना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस बना, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया 2r, डिस्टेंस कितना हो गया r प्लस r, दैट इज 2r, और डिस्टेंस 2r हो गया, रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखा था, तो 2 into 5 दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो किन्हीं भी दो पैरेलल टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस किसके बराबर होता है, चेक करो ये डायमीटर तो बन गया, r प्लस r 2r क्या होता है, डायमीटर होता है सर का। आपसे ध्यान रखना कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि दो पैरेलल के बीच का डिस्टेंस निकालो तो वो कुछ नहीं डायमीटर की बात है, रेडियस दे रखा है डबल कर दो डायमीटर निकल आएगा। हमने 8 क्वेश्चन बहुत ही सरलता से कंसेप्ट को समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया, बचे हैं 2 क्वेश्चन, कहीं जाने का नहीं, नोट कर लिया, फेस करते हैं।
नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं, अपने पास एक डायग्राम दे रखा है, डायग्राम समझ लेते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका अपने को पूरी पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको 1 to 10 क्वेश्चन की, उसमें क्वेश्चन होंगे, वहां से आप नोट भी कर सकते हो। मैं क्वेश्चन सुना रहता हूँ, क्वेश्चन क्या है, एक बाहर पॉइंट है, यहाँ से हमने 2 tangent ड्रॉ कर दी, कर दी सर, ठीक है, 2 tangent ड्रॉ कर दी। सेंटर है अपना, सर्वल सेंटर है, ओ मान लेते हैं, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। आपसे पूछ रहा है ये एंगल फाइंड आउट करो, अगर ये एंगल गिवन है अपने को, ये एंगल अपने को गिवन दे रखा है 50 degree, ये एंगल अपने को 50 degree दे रखा है, ठीक है, और ये पॉइंट ए मान लो, इसको मान लो पी और इसको मान लो क्यू। क्वेश्चन में बोला गया ए पी एंड ए क्यू आर 2 tangents ड्रॉन, ए पी एंड ए क्यू आर 2 tangents, ये 2 tangents हैं किसी भी सर्कल पे, ए पी एंड ए क्यू आर 2 tangents ऑन अ सर्कल, ठीक है, द सर्कल पे टेंजेंट्स हैं एंड एंगल पी ए क्यू इज इक्वल्स टू 50 degree, ये गिवन है क्वेश्चन के ऊपर। तो पूछ रहा है फाइंड आउट करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हाउ कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमें पता एक प्रॉपर्टी ध्यान रखो, अगर मान लेती ये एक्स नहीं होता और ये लाइन भी नहीं होती, तब क्या बोलते, ये दोनों आपस में कैसे हैं 90 degree। थ्योरम 10.1 जिसमें बोल रखा अगर कोई भी सर्कल से रेडियस ड्रॉ करोगे, रेडियस जो है वो टेंजेंट के ऑलवेज परपेंडिकुलर कहलाती है, ठीक है। अब हमने यहाँ से एक लाइन बना दी, ठीक है, ये बना x, मैं पूछूँ ये क्या होगा, टोटल 90 है तो ये क्या बचेगा 90 - x, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये भी बना रेडियस, अब रेडियस बना ये r है, ये भी r है, अगर डिस्टेंस सेम होती है तो एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। अगर ये x डिग्री है तो ये भी क्या होगा x, अगर ये x है तो ये कितना बचेगा, टोटल क्या होता है 90, ये बचेगा 90 - x। अब ध्यान दो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी ए क्यू, इन ट्राइंगल पी ए क्यू, ट्राइंगल पी ए क्यू है, देख लो ये एंगल कितना 90 - x, ये वाला एंगल 90 - x, ये एंगल 50 degree इज इक्वल्स टू 180 degree। कैसे पता लगा, कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। सॉल्व करो इसको, 90 + 90 = 180 - 2x + 50 degree = 180, ये 180 उधर भेज दो, -2x + 50 degree = 180 degree -180 degree, ठीक है, 180 - 180 ये बना 0 degree, -2x + 50 degree तो -2x = -50 degree। सॉल्व करो, माइनस से माइनस कैंसिल, और एक्स की वैल्यू क्या बढ़िया, 50/2 दैट इज 25 degree, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, दो प्रॉपर्टी यूज की, कौन सी पहली प्रॉपर्टी, अगर सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर रेडियस ड्रॉ करते हो टेंजेंट पे वो हमेशा 90 degree बनाएगी, इसका पूछ रखा था, हमने कहा टोटल एंगल 90, अगर ये एक्स है तो कितना बचेगा 90 - x। सिमिलरली ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस ही कहलाएगी, तो सेंटर से अगर रेडियस है दोनों साइड्स इक्वल है, दोनों ही रेडियस है तो ये एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा एक्स, ये भी 90 - x। फिर हमने लगा दी इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी और सॉल्व कर लिया, समझ में आया, एक बार देख लो आप लोग, कोई डाउट है तो पूछ लो। समझ में आया तो नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, क्वेश्चन के साथ हम जा रहे हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में मिलेगा, बोर्ड कैसा भी हो चाहे सीबीएसई अगर सिलेबस में है, चाहे बोर्ड सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो चाहे पंजाब बोर्ड, अगर सिलेबस में है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कहता है पी क्यू इफ, पी क्यू क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इफ PQ and PR
आर टू टेंजेंट्स, आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल, टू अ सर्कल विद सेंटर, विद सेंटर ओ इफ एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 46 डिग्री, क्यू पी आर इज इक्वल टू 46 डिग्री, फाइंड एंगल क्यू ओ आर, फाइंड एंगल क्यू ओ आर, ठीक है, गिवन है, सर्कल भी गिवन है, बिल्कुल एक सर्कल बना लिया हमने, पी क्यू और पी आर, पी पॉइंट अपना बाहर है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, दूसरी टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ठीक है, ये पॉइंट अपना बना क्यू, ये बना बना आर, और पी पॉइंट बाहर है, ठीक है, तो पी क्यू एंड पी आर आर टू टेंजेंट, वो सर्कल विद सेंटर, सेंटर सर्कल ओ है, ठीक है, देयर इज क्यू पी आर, क्यू पी आर ये एंगल दे रखा था 46 डिग्री, और पूछ रहा फाइंड क्यू ओ आर, ये एंगल पूछ रहा आपसे, ठीक है, क्या मुझे बता सकता कोई ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा, इसलिए निकालना है इसका, मान लिया मैंने एक्स डिग्री, ठीक है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट है अपना रेडियस परपेंडिकुलर होता है थ्योरम अकॉर्डिंग, तो ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री, और ये भी कितना होगा 90 डिग्री, क्यों होगा, दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, तभी काम होगा, 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि रेडियस से जब भी कोई टेंजेंट पे ड्रॉ करो तो परपेंडिकुलर पड़ता है, तो रेडियस से हमने जो लाइन ड्रॉ की टेंजेंट पे परपेंडिकुलर पड़ेगा, परपेंडिकुलर कैसा होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको पूरा बाहर लेके रहा हूँ, बाहर लेके रहा हूँ, ये रहा, ये रहा, ठीक है, ये बना क्या, पी क्यू ओ आर, ये तो एक क्वाड्रिलेटर बन गया, क्वाड्रिलेटर, ठीक है, अब क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी होती है, अगर ये मान लो एंगल 46 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और अपना एक्स डिग्री है, तो क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी होती है सभी एंगल का सम, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये प्रॉपर्टी का यूज करो, सॉल्व करो, मेरा वाला एंगल 46 डिग्री प्लस 90 प्लस 90 प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, चेक करो 90 प्लस 90 180, 46 प्लस 180 उधर भेज दिया हमने, 360 माइनस 180, 46 प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180, तो एक्स निकालना हो प्लस का 46 उधर आके माइनस का 180 माइनस 46 सॉल्व करो, छः गया चार, सात में चार गया तीन, तो 134 डिग्री, 134 डिग्री एक्स की वैल्यू, ऑब्वियस बात है देख रहे हो, ठीक है, 180 थोड़ा था, ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एक एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर एक एक कंसेप्ट को लेकर आ रहा है, मैंने क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट को समझाने की बहुत अच्छी तरह से कोशिश की है, ठीक है, तो इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड किया थी इन्फिनिटी करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट में, चॉइस आपकी है, एक क्वालिटी एजुकेशन लेना है या फिर वही वही एजुकेशन लेना सिर्फ बोर्ड के लिए, ठीक है, यहाँ पे हमें कोई भी चीज़ रटाई नहीं आती, ये तो मैं क्वेश्चन के थ्रू कंसर्ट बता रहा हूँ, जब कंसर्ट बता रहा हूँ कैसा लग रहा होगा, ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, देर से ही कोई बात नहीं, हम सैम्पल को डिस्कस करते हुए हर एक क्वेश्चन को डिलीवर इस तरीके से कर रहे हैं ताकि आपको बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन मिले और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को समझ आए, ठीक है, और भी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है, आप मेरा व्हाट्सअप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है वहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपना मुझे हाई लिख कर भेजो, मैं आपको एक ग्रुप में ऐड करूँगा और वहाँ पे इसकी PDF शेयर करूँगा, ठीक है, तो और कम्युनिकेट भी कर सकते हो, वहाँ पे आप डाउट भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, तो बाय बाय, थैंक यू, अगर आप कुछ सीखने को मिला, कुछ लर्निंग मिली, तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू।